हम लोग तो स्पष्ट कह रहे हैं जो ये लोग एम्स नहीं बनने देना चाह रहे हैं। नदी में जैसे एकदम पानी आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो पूरा ये जो जगह है, जिस जगह के लोग चयन कर रहे हैं, वो जगह पूरा समुद्र के जैसे पानी लहलाता रहता है, उसमें कैसे एम्स बनेगा? ये तो शुद्ध करके मजाक है। नहीं, वो सरत गलत बयानी कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जी। दरभंगा एम्स को लेकर के जो है बिहार में सियासत चल रही है, और सियासत में भाजपा हो या फिर जदयू के नेता हो या फिर आरजेडी के नेता हो, ये तमाम लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या दरभंगा में एम्स कब बनेगा? अगर भाजपा वाले ये कह रहे हैं जो एम्स के की बात पहले से लिया, अब तक एम्स बन गया होता तो कहाँ कमियां है जो एम्स अभी तक नहीं बन पाई है? हमारे से बातचीत करने के लिए उसी क्षेत्र से आने वाले रामप्रीत पासवान जी हैं, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और मिथिलांचल से ही हैं। कैसे देखते हैं आखिर इस राजनीति की भेंट तो एम्स चढ़ गया ना, अभी तक तो एम्स बन नहीं पाया, किसकी गलती आप लोग मानेंगे? देखिए, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जब दरभंगा आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी। कब की बात? ये 16 के चुनाव की बात, 15 चुनाव नहीं, ये 19 में चुनाव, 19 के चुनाव की बात। 2020 में इसकी घोषणा हुई। जहाँ तक मुझे जानकारी है, भारत सरकार से पैसा भी आया, बिहार सरकार से जमीन देने की बात हुई, मैं मंत्री था, और केंद्र सरकार से डायरेक्टर की बहाली हो गई, वहाँ मिट्टी भी भराने लगा। हम लोग दरभंगा में देखे, जहाँ आपका मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है, उसे पूरा जमीन मिट्टी से भर दिया गया, भरा रहा था, और एम्स बनने के कगार पर था। लेकिन ये लोग राजनीति के चक्कर में, जो प्रधानमंत्री को जश नहीं हो उसके चलते, ये लोग केवल हर बात पर राजनीति करते हैं, एम्स पर तो कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। ऋषि जी कह रहे हैं जो स्थल का चयन करें, एम्स बनाने की इच्छा ही नहीं आप लोग को, मन ही नहीं, वो जगह देने को तैयार है? नहीं, वो सरत गलत बयानी कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जी। उसी समय में जो हमारे मंत्री थे, उसी समय में वहाँ जमीन मिला, और थोड़ा जमीन देने की ज़रूरत थी, बाकी जमीन में मिट्टी भी भरा गया, और थोड़ा ज़मीन देने की ज़रूरत थी, और एम्स के डायरेक्टर भी आ गए और एम्स बनता। लेकिन ये लोग जमीन नहीं देने के बहाने से अब वो गड्ढा जो है, एक सोमन में गड्ढा है, वो एकदम बांध के किनारे नदी है, और उसमें एम्स बनाने की, शहर से बहुत दूर है और उसमें एम्स बनाने की बात हो रही है, और तो ये लोग सरासर मजाक कर रहे हैं। ये वर्तमान जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो तो पूरा मजाक कर रहे हैं उसके साथ, वो तो जनहित के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नहीं तो कब ना एम्स बन गया रहता। क्या आप लोग इस मुद्दा को कैसे लोगों तक पहुंचाइएगा, कैसे एम्स बनेगा, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, भाजपा वाले क्या कर रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं जो जहां मिट्टी भराया गया है वहां एम्स बने, और उसके बगल में भी जमीन है, रेलवे लाइन से उस पर और जमीन दे, थोड़ा ही जमीन की तो बात है। आप कह रहे हैं जो जमीन वहाँ पे मिट्टी भराया गया है, जमीन वो जमीन की बात कर रहे हैं, तो आखिर उस जमीन में क्या प्रॉब्लम है? इन लोगों पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं दे रहे हैं, तब वो लोग जाने, अब तो वो लोग जानेंगे, मुझे नहीं जानकारी है जो क्या वजह है। डायरेक्टर नियुक्त हो गई, एम्स बनना था और हॉस्पिटल के बगल में हॉस्पिटल बनना था, और उसको लोग जगह नहीं दे रहे हैं, पता नहीं इनके लोग जमीन कब्जा के लोगों के, मतलब सरकार जो है, समाजवादी सरकार के कहना है जो आप लोग बस पब्लिसिटी कर रहे, बनाने की इच्छा ही नहीं है। ये सरकार कितना सत्य बोलता है, ये तो कहे थे जो पहले कैबिनेट में हम 10 लाख युवा को नौकरी देंगे, दिए क्या? आप तो 1 साल हो गया, क्या हुआ? शिक्षक को परीक्षा दिला लेते हैं और तब लाठी चार्ज, वो तो बहुत दिन से सुन रहे हैं हम लोग, बहुत दिन से सुन रहे हैं। तो ये केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, वो जमीन वहाँ जो भराया है, सरकार का पैसा खर्च हुआ है, वहाँ एम्स बनाने में क्या दिक्कत है इनको? ये जमीन तो आज की तिथि में भी पड़ा हुआ है, क्यों नहीं एम्स बनने देते हैं? तो आ रहे हैं वो गड्ढा में, नदी में जैसे एकदम पानी आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो पूरा ये जो जगह है, जिस जगह के लोग चयन कर रहे हैं, वो जगह पूरा समुद्र के जैसे पानी लहलाता रहता है, उसमें कैसे एम्स बनेगा? ये तो शुद्ध करके मजाक है। तो कैसे ये मामला कैसे सॉर्ट आउट होगा? आप भी उस क्षेत्र से आते हैं ना, कई जगह दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल तक के लोगों को लाभ मिलता है, और भी आगे। राजनीति अपनी जगह पर है, ये लोग अपना राजनीति, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो एम्स बनना चाहिए, जहाँ जमीन भराया गया है वहाँ लोग एम्स बना। तो वो लोग भी कह रहे हैं जो भाई राजनीति कर रहे हैं आप लोग, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, हम लोग क्या राजनीति कर रहे हैं, हम लोग तो दिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय, उन्होंने तो दिया, ये लोग जमीन भी उस समय में दे दिया, कैबिनेट में पास है, कागज है, यहाँ कागज है, देखिए ना,
हमारे उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी भी जमीन दिए थे और जमीन देने की बात थी, मिट्टी भी पड़ा गया, डायरेक्टर भी आ गया, तो राजनीति ये लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या राजनीति कर रहे हैं, वो तो कब न बन गया रहता। आप लोग क्या करेंगे इसके लिए? अब हमको तो नहीं लगता है जो ये गड्ढा में, ये जहाँ एकदम समुद्र के जैसे गड्ढा है, नदी है एक तरफ, बड़ा बड़ा बांध है, वहाँ एम्स बनेगा, लेकिन अब वो सरकार में ये लोग हैं, क्या करेंगे तो ये लोग जानेंगे। तो आप लोग कुछ मांग तो करेंगे ना, जनता तो जाएंगे ना कुछ। हम लोग तो स्पष्ट कह रहे हैं जो ये लोग एम्स नहीं बनने देना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं जो केंद्र को जस मिल जाएगा। किसका हाथ है, कौन बनने देना नहीं चाह रहा? वही अभी जो वर्तमान सरकार है, वो अभी जो स्वास्थ्य मंत्री है, वो नहीं चाहते हैं। देखें आदमी पे फायदा क्या है, अब इनको क्या फायदा है वो सोचे। आज तक कभी कोई विकास किया है क्या? 15 साल राज किए, कोई विकास नहीं किए। जो जो काम किए हमारे दरभंगा जिला में, लोहट सकरी और चीनी मिलों बंद कर दिए, ये पंडोल का सूता मिल बंद कर दिए, ये तो विकास विरोधी आदमी है, विकास तो कभी किए नहीं। इसीलिए चाहते हैं जो बिना विकास का, उनका लोग चाहता है जो बिना विकास का हम मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये तो सरासर अन्याय है। ये लोग महागठबंधन के लोग बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, वहाँ जहाँ जमीन भरा था वहाँ एम्स नहीं बनने देने के लिए पूरा अन्याय कर रहे हैं मेरे समझ से। हमारे साथ रामप्रीत पासवान जी थे जो पूर्व मंत्री रह चुके बिहार सरकार में, इनसे हम बात कर रहे थे। और लिहाजा जो एम्स को लेकर बातें चल रही है उसके संदर्भ में हमारी बातें हो रही थी, तो अब देखने वाले बातें होंगी जो एम्स में को लेकर के क्या कुछ रास्ता क्लियर होता है दरभंगा एम्स को लेकर के। हालांकि अभी तक तो बयानबाजी ही देखने को मिल रही है, चाहे वो बीजेपी की बात कर ले, आरजेडी की बात करें, या फिर जदयू की बात करें, लेकिन कब इस एम्स का निर्माण का रास्ता साफ होगा ये देखने वाली बातें होंगी। बहरहाल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे आईबी टीवी के साथ, सहयोगी सोनू के साथ सुझाव आईबी टीवी पटना। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।